नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, 9 जून गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है गंगा दशहरा। आज के दिन माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। भगीरथ ने अथाग तप किया था, जिसके बाद गंगा माता पृथ्वी पर आई और आज तक जनजीवन को प्रफुल्लित कर रही है, इस पृथ्वी को जीवित रखने में अपना जबरदस्त योगदान दे रही है। दोस्तों, गंगा जल का जो जल है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल, शुद्ध और पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कहीं पर किसी भी जल में इतना ऑक्सीजन नहीं है जितना गंगा जल में है। जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने चीजें बताई हैं, उन तमाम चीजों को दोस्तों आंखें बंद करके मान लेना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजों में तो हमें साइंटिफिक तर्क मिल जाता है, लेकिन कुछ चीजों में जब हमें साइंटिफिक तर्क नहीं मिलता है तो हम उन चीजों को हम्बग बोलने लग जाते हैं। और इसी तरीके से मैं देखती हूँ आज के जमाने में हमारे ही लोग अपने ही ग्रंथों का, अपने ही ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हकीकत में ये चीज का मतलब क्या है। कोई भी चीज आपके लिए तब तक हम्बग रहती है जब तक आप उसको सच में संपूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। तो गंगा जल हमेशा से दोस्तों शुद्ध था, पवित्र था, आज भी है। गंगा जल में स्नान करने वाला व्यक्ति दोस्तों सदैव तन मन से शुद्ध और पवित्र रहता है। गंगा नदी में आज के दिन स्नान करने का बड़ा महत्व है। जन्मों जन्म के पाप ताप संताप से दोस्तों मुक्ति मिल जाती है आज के दिन गंगा जल में स्नान करने मात्र से। आज के दिन गंगा जल घर में जरूर लेकर के आए। और जैसे मैंने बताया है, ऐसे आज के दिन दीप दान जरूर करें। मैंने इसके पहले भी कई वीडियोस अपलोड कर दी है मेरे चैनल पर, गंगा जी के कौन से आपको उपाय करने हैं, क्या क्या करना है। सारे उपाय ना कर सके तो कोई बात नहीं है, जितने उपाय कर सकते हैं जरूर करें। दोस्तों, आज के दिन आप घर में ही किसी पात्र में गंगा जल भर लें और उसमें फूल और अक्षत, हल्दी, चावल और घी का दिया अर्पित करके घर में ही गंगा जी की पूजा जरूर करें और उसके बाद उस जल को पूरे घर में छिड़क दें। घर में कैसी भी नेगेटिविटी होगी चली जाएगी। आज के दिन दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके जन्मों के पाप कटते हैं, आपके शरीर का आलस्य दूर होता है और शरीर में रहे हुए रोग दूर होते हैं। गंगा दशहरा दोस्तों 10 जात के संतापों से जीव को मुक्ति दिलाता है। लोभ, लालच, अभिमान, ईर्ष्या, तमाम जो 10 जात के संताप हैं, उनसे जीव को मुक्ति मिलती है आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा नदी में स्नान करने से। जो लोग गंगा नदी तक ना पहुंच पाए, घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाले और उससे स्नान करें, ताकि गंगा जी में स्नान करने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, बहुत बढ़िया आज रवि योग बन रहे हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। आज के दिन 4:26 को सुबह इतना बढ़िया योग बन रहा है जिसमें आपके द्वारा की गई तमाम इच्छाएं सही होंगी, आपके द्वारा जो विश मांगी जाएगी वो पूरी होगी। आज दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में 4:26 पर जैसे आप कोई किसी चीज की बाधा मानता करके कहीं नारियल रखने जाने का सोच रहे हैं, घर में ही यदि आप कोई उपाय करने का सोच रहे हैं कि नहीं मुझे मेरा ये काम हो जाए, तो आज ब्रह्म मुहूर्त में 4:26 पर आप सुबह उठ करके अपनी उस इच्छा को बोले, उस इच्छा को ध्यान में रख करके 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए एक तरफ निकाल करके रख दे। यदि आप किसी चीज के निमित्त रूप नारियल रखना चाहते हैं कि मेरा ये काम हो जाए, तो आप नारियल रख दें। आज के दिन इस समय आपके द्वारा कोई भी विश यदि की जाएगी तो बहुत जल्दी पूरी होगी। तो बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र दिन है आज के दिन का, एंड स्पेशली इस समय का पूरा पूरा दोस्तों फायदा उठाएं। नहाते समय आज हर हर गंगे मंत्र का जाप जरूर करते रहें।
इससे भी आपको गंगा नदी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उपायों को करते रहें और खुश रहें। कोई ऐसी बात है जो आपकी समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। जय श्री कृष्ण।